नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए राष्ट्रीय राजधानी को उड़ान निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है और धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए 9 जून को शपथ ग्रहण करेंगे। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां, NSG कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए दक्षेश यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के गणमान्य हस्तियों को आमंत्रित किए जाने के मद्देनज़र राष्ट्रीय राजधानी हाई अलर्ट पर रहेगी। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोस्तों धारा 144 9 और 10 जून को 2 दिन तक लागू रहेगी। अरोड़ा ने आदेश में कहा कि भारत के प्रति शत्रुता रखने वाले कुछ आपराधिक असामाजिक तत्व या आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। CRPC की धारा 144 द्वारा उन्हें प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली के हवाई क्षेत्र में उड़ान निषेध रहेगा और इसका उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए उनके होटल से समारोह स्थल तक जाने और वापस आने के लिए अलग से मार्गों की व्यवस्था की जाएगी। पता देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरीशस और सेशेल्स के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। शहर के लीला, ताज, ITC मौर्या, क्लेरी जेस और ओबेरो जैसे होटल को पहले ही सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। समारोह के दिन दिल्ली पुलिस के SWAT और NSG के कमांडो राष्ट्रपति भवन विभिन्न अहम स्थानों के आसपास मौजूद रहेंगे और पूरी दिल्ली इस समय चाक चौबंद कर दी गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पूरी दिल्ली में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, NSG के कमांडो तैनात हैं। दोस्तों, हवाई उड़ानों पर रोक लगा दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार PM पद की 9 जून को शपथ लेने वाले हैं, जिसमें कई देशों के गणमान्य पधारने वाले हैं, इसलिए पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। आप सभी से विनती है कि किसी भी संदिग्ध सामान, संदिग्ध व्यक्ति को देखें तो तुरंत ही पुलिस विभाग को सूचना दें। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।